हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि मैम आपकी रीडिंग बहुत छोटी होती है, थोड़ी सी ड्यूरेशन और बढ़ाइए, थोड़े से और कार्ड्स निकालिए, क्लैरिफिकेशन कार्ड्स निकालिए। ओके फाइन, अंडरस्टूड। तो इस बारी मैं थोड़े और कार्ड्स निकालूंगी, रीडिंग थोड़ी सी लंबी होगी। बताइएगा आपको अगर पसंद आ रही है तो। जनरल रीडिंग है 6 to 15 जून के लिए। हम इसमें करियर कवर करेंगे, हेल्थ, मनी एंड मैरिज। ठीक है, यस, आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। करियर, हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, मनी, जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई। यूनिवर्स प्लीज बताइए 6 to 15 जून जनरल मैसेजेस फॉर जेमिनाई। देखिए, पहले मैं 3 कार्ड्स निकालती थी, अब मैं 6 कार्ड्स निकालूंगी। वाह, ओके। देखिए, जेमिनाई, हमारे पास आपकी एनर्जी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड हमारे पास एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अब देखिए, व्हेन इट कम्स टू योर करियर ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप आगे निकल रहे हैं। ठीक है, आगे निकलने से मतलब है कि एक होता है कि हाँ, दूसरों को ऑब्जर्व करना, देखना, सीखना। एक होता है ऑब्जर्व कर लिया, सीख लिया, एनालाइज कर लिया, अब आगे बढ़ना है। दूसरे आपको ऑब्जर्व करने करेंगे, अब दूसरों का टाइम है आपको ऑब्जर्व करने का, आपका ऑब्जर्व करने का, सीखने का टाइम खत्म हो गया। तो आप ना एम्परर वाली एनर्जी आ रही है आपके करियर, स्पेशली करियर, प्रोफेशन, बिजनेस से रिलेटेड, कि आप लीड कर रहे हैं, कोई रिस्क ले रहे हैं, मे बी नेक्स्ट 10 डेज में कोई बोल्ड स्टेप ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। लीडिंग वाली एनर्जी आ रही है, आपका करियर आपको आगे लेकर जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप मे बी या तो कोई टीम लीड कर रहे हैं या फिर लोग आपको अपना एक बेंचमार्क बना रहे हैं कि हाँ, जेमिनाई जो कर रहा है वो हमको करना है। ठीक है, जेमिनाई को फॉलो करेंगे हम, जो जेमिनाई कर रहा है ना, हमें वही स्टेप बाय स्टेप रिपीट करना है। तो यू आर बिहेविंग लाइक एन एम्परर। ठीक है, तो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आप में से वो एक लीडरशिप वाइब आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, ठहराव आ रहा है, रिस्क ले रहे हैं आप, बोल्ड स्टेप ले रहे हैं आप, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं आप, ऑल्सो काफी एम्बिशियस दिख रहे हैं। काम को लेकर कोई कहते हैं ना एस्केप रूट नहीं, काम को लेकर कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, काम पे पूरा अटेंशन है आपका नेक्स्ट 10 डेज में। टू ऑफ कॉइन्स है हमारे पास। व्हेन इट कम्स टू योर मनी, आपके पास देखिए पैसा आ रहा है, डेफिनेटली पैसा आ रहा है, बट उसके लिए ना थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। मे बी आप सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं, मे बी आप सिर्फ काम पे ध्यान दे रहे हैं या सिर्फ फैमिली पे ध्यान दे रहे हैं, काम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। बट आई थिंक नेक्स्ट 10 डेज में ना सिचुएशंस इस तरीके से डेवलप होंगी कि आपको एम्बिशियस होने के साथ साथ घर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, घर की चीजों पे भी, पर्सनल चीजों पे, पर्सनल बोल लेते हैं इसको, घर नहीं बोलते हैं, पर्सनल चीजों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। पर्सनल चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ हो सकती है, वर्कआउट करिए, ये नहीं कि ऑफिस सुबह 7 बजे पहुंच गए, रात को 11 बजे आ रहे हैं, नींद नहीं ठीक से हो रही है, स्किन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने वेट का ध्यान नहीं रख रहे हैं, अपने क्या बोलते हैं उसको, लाइफस्टाइल, जो आप खा रहे हैं उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, भूखे हैं, नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, कुछ पूरा नहीं हो रहा है। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अब बैलेंस बनाइए, मल्टीटास्क करने की जरूरत पड़ सकती है, जगल करने की जरूरत पड़ सकती है, चीजों में काफी सारी चीजें साथ में मैनेज करनी आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो नेक्स्ट 10 डेज में जरूरत उसकी डेफिनेटली पड़ सकती है। एंड पैसा आ रहा है, आप एक टाइम पे एक चीज नहीं हैंडल कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम पे एक चीज हैंडल करोगे तो पैसा नहीं आएगा, आपको 2 4 चीजें स्पेशली अपना पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैनेज मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनल स्पेस में ना कोई आपके बारे में बात कर रहा है, गॉसिप कर रहा है आपको लेकर, एंड बिकॉज ऑफ विच आप थोड़ा सा मेंटली रेस्टलेस हो रहे हो, क्योंकि आपको पता लग गया है कि कौन बात कर रहा है आपके बारे में, एंड ऑल्सो आपको ये भी पता लग गया है कि मे बी वो आपका फ्रेंड है, एंड दैट इज वाई
इट इज बॉदरिंग यू इवन मोर कि ये मेरा दोस्त है और ये मेरे बारे में कैसी बातें कर रहा है. या तो देखिए रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं, या तो आप बात कर रहे हैं इस इंसान के बारे में एंड दूसरे इंसान को पता लग गया है शायद, तो वो मेंटली रेस्टलेस है, थोड़ा सा मिक्स वाइब्स आ रही है. वैसे तो मुझे आपकी एनर्जी लग रही है कि आप मेंटली रेस्टलेस है, क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स है जेमिना लिब्रा एक्वेरियस, आपको पता लग गया कौन आपके बारे में गॉसिप कर रहा है. एंड ऑल्सो आप ना देखिए यहीं पे मैंने बोला था बैलेंस बनाने की जरूरत है, मल्टीटास्क करने की जरूरत है. पर्सनल चीजों पे भी ध्यान दीजिए, प्रोफेशनल चीजों पे भी ध्यान दीजिए एंड लोगों से कैसे डील करना है उस पे भी ध्यान दीजिए. यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपको पता लगा आपके बारे में कौन क्या बात कर रहा है, आप और पूछ रहे हो. लाइक आप ना उस एनर्जी के साथ फ्लो कर गए हो, आपका कंट्रोल नहीं है अपने ऊपर नेक्स्ट 10 डेज में. दूसरा आपके बारे में पता लग रही है आपको कि दूसरा क्या बोल रहा है एंड यू आर लाइक अच्छा ओ और क्या बोला. क्यों पूछने की जरूरत है, क्यों पूछना है कि आपके बारे में किसी ने और क्या बकवास बोली. आपको अगर कुछ पता लगा तो आप बोलिए अच्छा ओके आई डोंट केयर एंड मूव ऑन. उस जगह से मत पूछो कि और क्या सुनने में आया तुमको मेरे बारे में, अच्छा उस इंसान ने और क्या बोला. तो आई थिंक आप ना उस एनर्जी में कहते हैं ना एक इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस तरफ बह रहे हैं जिस तरफ दूसरा आपको लेके जा रहा है. बैलेंस बनाइए, एक कहते हैं ना बैलेंस करना सीखिए, खड़े होना सीखिए, मल्टीटास्क करना सीखिए. मेंटली रेस्टलेस मत होइए, दूसरे की एनर्जी को अपने अंदर मत आने दीजिए. एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, रात को नींद ना आना, ये एनर्जी हो सकती है. बट अगर आप बैलेंस बनाएंगे, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, वर्कआउट करेंगे, अच्छा खाएंगे, सिर्फ काम 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 कर नहीं करेंगे, तो आपको एंग्जाइटी और मेंटल रेस्टलेसनेस और रात को नींद ना आना ये सब नहीं होगा. बट अगर आप सिर्फ काम पे ध्यान देंगे और खाना पीना नींद सुकून चैन सब छोड़ देंगे, तो ऑफकोर्स एंग्जाइटी और बाकी सारी चीजें भी होंगी. मैरिज होती दिख रही है मुझे, ठीक है, विश फुलफिलमेंट हो रही है. आप में से कई लोग 7 of Cups है, 4 of Wands है, एरीज लियो सैजिटेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट हो सकता है. आप में से कई लोग डे ड्रीम कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं. मे बी आपका कोई पार्टनर है एंड यू आर विजुअलाइजिंग योर मैरिज विद दिस पर्सन, या फिर कोई लॉन्ग टर्म कनेक्शन में आप एंटर कर रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, क्योंकि ये मैरिज की भी रीडिंग है, मैरिज रिलेशनशिप जैसा भी जो भी आपका कनेक्शन है, तो आपकी शादी मे बी या तो कोई एनिवर्सरी आ रही है, या फिर आपकी शादी में आपको या आपके पार्टनर को ना थोड़ा सा एंग्जाइटी, मैंने बोला एंग्जाइटी हो सकती है, रात को नींद ना आना वाली चीज हो सकती है, क्योंकि शायद आपको अपने पार्टनर की तरफ से पूरा अटेंशन नहीं मिल रहा है, अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से, एंड आप भी शायद उनको अटेंशन नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आप शायद सिर्फ घर के कामों में लगे हुए हो. डिपेंडिंग ऑन योर जेंडर एंड आपका क्या रोल प्ले करते हो, आप एक घर में गृहस्थी में आप बाहर जाते हो या घर का ध्यान रखते हो, वट एवर इट इज, बट आई थिंक आप मल्टीटास्क नहीं कर पा रहे हो एंड आपका पार्टनर भी क्रेव कर रहा है एंड आप भी डे ड्रीम कर रहे हो, विशफुल थिंकिंग दिख रही है. ये उनके लिए है जो मैरिज में है या कनेक्शन में है या लिव इन में है, वैसा वाला चीज है. आप में से कई लोगों की शादी हो रही है एंड शादी में ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कनेक्शन दिख रहा है मुझे, बट डे ड्रीमिंग ज्यादा दिख रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने ही दिमाग में इच्छा रखते हो, लाइक यू गाइज लॉन्ग फॉर अ कनेक्शन, फॉर लव, फॉर अफेक्शन, यू गाइज आर विशिंग एंड थिंकिंग अबाउट इट, बट देर इज नो एक्शन टूवर्ड्स इट. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोचते हो कि वो करेगा, वो सोचते हो आप करेंगे, ठीक है. शादी बहुत अच्छी है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, प्यार बहुत है, सब कुछ बहुत है, बट जब वो फर्स्ट स्टेप लेने की बारी आती है ना, तो आपको लगता है वो करेंगे, उनको लगता है आप करोगे, बस ये तू मैं तू में ही हो जाता है, टाइम निकल जाता है. हेल्थ का मैंने आपको बताया, एंग्जाइटी रह सकती है, रात को नींद ना आना, वो सब चीजें रह सकती हैं. करियर का मैंने आपको बता दिया, मनी मैंने आपको बताया, पैसा आ सकता है बट बैलेंस बनाने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है. मैं सोच रहा हूं कि मैं ये प्रोजेक्ट में इस तरीके से डील करूं अपने क्लाइंट्स के साथ, या मैं प्रेजेंटेशन इस तरीके से दूं. सोच जो रहे हैं और कर जो रहे हैं,
अगर वो सिंक में है तो पैसा आएगा, अगर वो सिंक में नहीं है, गैप है, तो पैसा नहीं आएगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब हम देखेंगे जनरल मैसेजेस क्या है हमारे पास टी लीफ टैरो डेक से फॉर जेमिनी। ओके यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनी के लिए जनरल मैसेजेस, रैंडम मैसेजेस क्या है नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15 जून रैंडम मैसेजेस फॉर जेमिनी नेक्स्ट 10 डेज, करियर, हेल्थ, वेल्थ, मनी, कुछ भी मैसेज। ओके फायर क्रैकर एक्साइटमेंट, किसी कोई ऐसा एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में जिसको लेकर आप काफी एंथुजियास्टिक हो, काफी एक्साइटेड हो सकते हो, कि शायद आपको एक्सपेक्टेड ना हो इस वजह से ज्यादा एक्साइटमेंट दिख रहा है, या फिर मे बी एंग्जाइटी, मेंटली रेस्टलेस, और जो एक सैड तो नहीं मैं बोलूंगी बट एक वो ब्लास्ट सी जो फीलिंग चल रही थी उसका एंड हो रहा है, दैट इज वाई यूर गेटिंग एक्साइटेड कि ओ फाइनली कुछ नयापन आ रहा है, बट एक्साइटिंग इवेंट मुझे होता दिख रहा है। कई लोगों की शादी भी हो सकती है जेमिनी, ठीक है, तो आप में से कई लोग जबरदस्ती देखिए कुछ फिट मत करिएगा, अगर आप की शादी की बात चल रही है और वैसा कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो मैसेज आपके लिए इट होल्ड्स ट्रू, अदरवाइज इट डज नॉट। सो डोंट लाइक जबरदस्ती फिट मत करिएगा अपनी लाइफ में। ऑल्सो जेमिनी आप में से कई लोग जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, कुछ जानना है, कुछ आगे के लिए पता करना है फ्यूचर रिलेटेड, वो यहाँ पे नंबर आ रहा है, उस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ या यहाँ। अगर आपको कुछ जानना नहीं है, लेट से आपको यू वॉन्ट टू फाइंड द लव ऑफ योर लाइफ, और यू वॉन्ट टू हील योर सेल्फ, यू वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ सर्टन फिजिकल एलिमेंट्स, थायरॉयड है, पीसीओडी है, वेट गेन है, पिगमेंटेशन है, इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो आप क्रिस्टल जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स हैं जो कि सोल्यूशन होते हैं प्रॉब्लम का, आपको ठीक करते हैं, हील करते हैं, आप उसके लिए भी मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ऑरा क्लेंजिंग करनी है, ऑरा स्कैनिंग करनी है, आपको किसी नेगेटिव एनर्जी से कट ऑफ करना है, कॉर्ड कटिंग करनी है, रेकी इंटेंशंस आपको अगर चाहिए, रेकी सेशंस आपको चाहिए, जो भी आपकी दिक्कत है आप वो मुझसे शेयर करिए, देन अकॉर्डिंगली वील फिगर आउट कि आपको किस चीज की जरूरत है एंड क्या चीज ज्यादा सूटेबल रहेगी। बट अगर इन सर्विसेज में से किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जेमिनी के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, करियर, हेल्थ, वेल्थ, रैंडम मैसेजेस जेमिनी के लिए क्या है। डॉल्फिन, फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट, कोई इन्वेस्टमेंट, किसी को उधार दिया था, किसी की हेल्प करी थी, यू वर जस्ट बीइंग काइंड एंड यू वर हेल्पिंग समवन आउट एंड नाउ द पर्सन इज कमिंग बैक एंड मे बी रिटर्निंग दैट मनी, और मे बी कुछ एक्स्ट्रा ही दे रहा है आपको, आपने दिया था 10, वो दे रहा है 20 आपको वापस, बट फाइनेंशियल गेन हो सकता है, कोई ऐसी चीज जो आपने पहले करी थी, कोई इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, स्टॉक हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्साइटमेंट मैंने आपको बोला था ना, अनएक्सपेक्टेड कोई चीज हो सकती है, पैसा आता दिख रहा है। जेमिनी के लिए मैसेजेस यूनिवर्स प्लीज बताइए, रैंडम मैसेजेस जेमिनी के लिए नेक्स्ट 10 डेज, करियर, हेल्थ, वेल, मैरिज, मनी एंड वर्क अचीवमेंट सक्सेस। काम है, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं मिल रहा है या आप खाली बैठे रहोगे, नहीं, हमारे पास 2 एम्प्रोर एनर्जी है, ठीक है, तो एम्बिशियस आप हो, स्टेबिलिटी है, काम है, अचीवमेंट है, सक्सेस भी मिल रहा है, ऐसा भी नहीं है कि आप हार रहे हो अपने काम में, नहीं, आपको सक्सेस मिल रहा है, एक्साइटमेंट है, सक्सेस भी मिल रहा है, फाइनेंशियल गेन भी मिल रहा है, तो करियर एंड मनी तो आपका सॉर्टेड है, पर्सनल में भी थोड़ा सा ना आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, हेल्थ में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, अपना सोचने वाली एनर्जी कम करनी पड़ेगी, बैलेंस बनाना पड़ेगा, स्टेप आगे अपनी तरफ से एक स्टेप लेंगे, अपनी तरफ से पहल करेंगे तो ओवरथिंकिंग कम होगी, ठीक है, तो वर्क अचीवमेंट सक्सेस वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। जेमिनी के लिए मैसेजेस, रैंडम करंट मैसेजेस फॉर जेमिनी नेक्स्ट 10 डेज, 6 to 15 जून यूनिवर्स प्लीज। ओके सन, हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग, सो नाइस, हैप्पीनेस है, पीस है, अचीवमेंट, सक्सेस, काम, पैसा, एक्साइटमेंट, बैलेंस, शादी, डे ड्रीमिंग, विश फुलफिलमेंट, सारी चीजें अच्छी हैं जेमिनी, ठीक है, थोड़ा सा एंग्जाइटी को आपको कंट्रोल करना है, कैसे, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एक्शन लीजिए, प्रोकेस्टिनेट करना बंद करिए, ओके,
बट हैप्पीनेस एंड वेलबींग भी है। इस रीडिंग में हम चार्म्स नहीं करते हैं, देखते हैं ये जो सिक्स कार्ड रीडिंग जो मैंने ज्यादा कार्ड्स निकाले हैं ये कैसी रहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर ये सही लग रही है आपको तो। बट यस मोर ऑर लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास यूनिवर्स की तरफ से जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग पसंद आए यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।